अलगूम लेडीज़ एंड जेंटलमैन वेलकम अंड बोर्ड टू माई चैनल आज आपकी खदमत में एक और जबरदस्ती रेसिपी के साथ हाजिर हूँ आइए जी अपने सफ़र यानी रेसिपी का आगाज़ करते हैं आज हमारे किचन में बन रहा है रेस्टोरेंट स्टाइल हॉट एंड सावर सूप तो जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं यहाँ पैन में मैंने वन टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिया है आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं अब इसमें मैंने वन टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किया है गार्लिक और ऑलिव ऑयल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा इसको सोते करेंगे अब इसमें मैं चिकन स्टॉक ऐड कर दूँगी यखनी ऐड कर दूँगी दिस स्टेप विल गिव यू द डिफरेंट टेस्ट यो सूप अब जी इसको थोड़ी देर सिमर होने देंगे हम मीडियम फ्लेम पर टू थ्री मिनट्स के लिए अब जी मैं इसमें एक और अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी वन टेबल स्पून ऑफ़ टोमेटो पेस्ट इससे आपके सूप का टेक्स्चर भी बहुत अच्छा आएगा और कलर भी सूप में जी मैंने टोटल टू टेबल स्पून वाइट विनेगर डाला है थ्री टेबल स्पून सोया सॉस हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून चाइनीज सॉल्ट और अजीनो मोटो हाफ कप ऑफ चिली गार्लिक सॉस हाफ कप से थोड़ा कम टमाटो कैचअप वन कप ऑफ वाटर अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और फाइव टू सेवन मिनट्स के लिए इसको पकने देंगे लो फ्लेम पे ट्राई करते रहेंगे यहाँ मैंने थोड़ी सी हाफ टी स्पून जितनी शुगर इसमें ऐड की है देखें जी अभी से कितना अच्छा कलर आया है इसका इसको मैंने टेन मिनट्स के लिए कुक किया है लो फ्लेम पे एक मैंने इसमें चिकन क्यूब भी ऐड किया है अब है जी बारी वेजिटेबल्स की इसमें मैंने मशरूम्स भी ऐड किए थे मशरूम संभाव मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने लास्ट में ऐड किए थे आप इस स्टेज पे इसमें मशरूम भी ऐड कर दें इसके बाद जी मैं इसमें बॉइल्ड एंड चॉप्ड चिकन ऐड कर दूँगी नॉट श्रेडेड वन चॉप चिकन ये देखें तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से लो फ्लेम पे पकने देंगे इसको थोड़ा सा वेजिटेबल्स का अरोमा भी इसमें आना चाहिए जी जब आपका सूप इस तरीके से सिमर हो रहा हो उबल रहा हो तो आपने इसमें स्लोली स्लोली जो है कॉर्नफ्लावर ऐड करना है यहाँ मैंने तीन टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया था पानी में उसको डिज़ोल्व कर लिया था अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी और इसको थोड़ा सा टाइम दूँगी पकने के लिए फिर दोबारा ऐड करूँगी टू चेक द कंसिस्टेंसी बहुत पतला भी सूप नहीं होना चाहिए आपका और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए कि टोटल जो है ना आपके सूप में कॉर्नफ्लावर का ही फ्लेवर आए ये देखें अब जी दोबारा से मैं इसमें ये डाल दूँगी इसको पकने देंगे थोड़ी देर सिमर होने देंगे लो फ्लेम पे आप जी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी अगेन व्हेन इट्स बॉइलिंग यहाँ पे हम एक अदद अंडा अच्छे से फेंट के डाल देंगे अंडा जी जब आप ऐड करें तो प्लीज़ 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 प्लीज, फ़ौरन आपने चम्मच उसमें नहीं चलाना है इट कैन स्पॉइल द टेक्सचर ऑफ योर सूप देखिए जी अंडा जब पकने लगेगा तो वो खुद ही सरफेस पे आ जाएगा नाउ दिस इज़ द टाइम यू कैन स्टर इट स्लोली स्लोली मैं इसको स्टर करूँगी सूप हमारा रेडी है इसको गार्निश करें स्प्रिंग अनियन के साथ एंड सर्व इट विद सूप क्रैकर्स और गार्लिक ब्रेड